अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, हाल ठीक जे? करम मालिक दा। अच्छा, अल्लाह पाक करम करे। अच्छा जी, की मसला गां दा? डॉक्टर साहब, दो साल हो गए गां सुई, तीन चार दफा के पांच दफा नवी कराई। अच्छा, ए रहंदी नहीं, कम से कम 8 10 दिन बाद बोल पेंदी। अच्छा, कितने बारी बोली आए? काफी देर दफा बोली, बी भी रखाया, अच्छे को कराई, अच्छे को कराई, रहंदी नहीं, 8 10 दिन बाद बोल पेंदी, बोल पेंदी। चेक करो जरा। चलो मैं चेक करना जरा, अल्लाह पाक करम करे। इनू सुई नु किने महीने हो गए, कितने साल हो गए तकरीबन? दो ढाई साल हो गए सुई। अच्छा, ये दुध कितना देंदी पई है? दुध है 6 किलो। 6 किलो एक टाइम? दो टाइम दा? दो टाइम, दो टाइम। अच्छा, थोड़ा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुहाडा अपना दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अपने यूट्यूब चैनल च तुहानू खुश आमदीद कहिंदा। ते तुसीं भाजी दी गल सुणी लई है कि अज दा जिहड़ा मौजू है साडा, जिहड़ी वीडियो है, वह जानवर खा मझां ने जां गावां ने जिहड़ा जानवर बार बार फेर खांदा, बार बार रिपीट ब्रीडिंग जिहड़ा निम्फोमीनिया बार बार हीट च आना, उहदी कि कि वजूहात ने? नंबर वन, जिहड़ी सरवैक्स है, इहदी स्ट्रक्चर का ठीक होना, नॉर्मल होना, यूटरस का, अगे हॉर्न का, फलोपियन ट्यूब का, ओवरी का, यह सारिया चीज़ा जड़िया ने बड़िया ही अहम ने। सारे जो आर्गन ने आपस कनैक्टड ने, अगर एक दे भी इनफेक्शन होएगी, एक हिस्से दे भी अगर कोई अबनॉर्मलिटी होएगी, तो जानवर हीट च सही तरह नहीं आता, बार बार फेर खाएगा। तो हूँ मेन वजह जी है, एक तो जानवर बाद चेक करा, लेकिन बाद ऐसा भी होंगे कि सारे आर्गन असं चेक किए सारे ठीक ने, लेकिन जानवर फिर भी फेर खाता पाया। मतलब है कि सिलीनियम की, कॉपर दी, कोबाल्ट दी, मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल, उहदी जिस टाइम डेफिशिएंसी होंदी है, दूसरे विटामिन की कमी हो जाए, तो जानवर कंसीव नहीं कर पाता, बार बार वो फेर खाता। लेकिन ये हुण अंदर जाके असीं चेक करने आया, इहदी आर्गन ठीक नहीं या नहीं। लेकिन ज़्यादा केस दे विच हुंदा की है कि जिहड़ी इहदी ओवरी है, उहदे उत्ते सिस्ट चढ़ जाती है, जिहनूं असीं आम कहिंदे जी इहदे उत्ते चर्बी चढ़ गई है, वह जानवर फिर बार बार फेर खाता। ये जिहड़ी सिस्ट है, ये दो तरह की है, या तो फोलिकुलर सिस्ट हो जाएगी, या ल्यूटल सिस्ट, लैदरी सिस्ट जी है, वह उत्ते जी कवर ओवरी उत्ते आ जाए, वह जिस टाइम कवर हो जाएगा उत्ते, आप कहने जी कवर चढ़ गया उत्ते, यहोजा जानवर बोलेगा, हीट च आएगा, लेकिन रहेगा नहीं। वो मेन वजह की है कि वह ओवुलेशन जेड़े जो बैज है, जिदा जानवर का अपना जो जरासूम है, वह खारिज ही नहीं होंगे। बाहरों खार तुम नैचुरल मेटिंग करवाते, जे बच्चे को करवाते, वो स्पर्म से चले जाते हैं, या तुम टीका रखाते हो, वह भी यूटरस चले जाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, उतक जाते भी ने, लेकिन वह अपना जरासूम है जो गाँव का, वह खारिज ही नहीं हो पाता, जिद वजह तो जानवर कंसीव नहीं करता। तो हम जो अंदर से असं सारे आर्गन जो चेक करने आया, आर्गन जो ठीक ने, यदि अबनॉर्मैलिटी जी कि है, जनाब असं ग्लव ला लिया, अंदर का जो डांगे गोबर जो पीसेस साफ कर लेंगे, ताकि सानू अंदर दी एग्जामिनेशन दे ठीक कर रखा ना होए। ये पांच चेक कर रहे हैं, ये बार बार फेर खाने पे सी, ये एम है सर्वैक्स, सर्वैक्स का जिहड़ा ओस है, मूँह है, वो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह नॉर्मल है। अगे सर्वैक्स का साइज भी ठीक है। अगे जाइए तो अपना बॉडी ऑफ द यूटरस, वो भी माशाल्लाह ठीक ने। उस तो अगे जिहड़ा है, लेकिन वजाने दे चार जो दे रहा है जानवर, वेरी ट्रांसपेरेंट है, जो नॉर्मल जानवर उदा इस तरह होना चाहिए। अगे जनाब जो राइट एंड लैफ्ट हॉर्न थोड़े दोवें जड़े ने, सज्जी ओवरी ते खब्बी ओवरी, इन दोनों का जो नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ओवरी जी है बैजा का नहीं, इतों के बैजा जरा जरा सूमा एग जरा रिलीज होता है, तो खब्बी जी ओवरी है, ये उत्ते जड़ा ना सिस्ट चढ़िया है,
फोलीकुलर सिस्ट जी सज्जी ओवरी है वो ते थोड़ा जहा जो है फिर ओवरी के जो स्ट्रक्चर ने भी और जी ओवरी है ये कनैक्टड होंगी है फलोपियन ट्यूब के नाल जी फलोपियन ट्यूब है वो तीन हिस्से ने बिल्कुल बारीक ही नाली होंगी है डक्ट जी है ये नाल ही इस जरा सुमी ने ट्रैवल करना होंगे ये क्योंकि तीन हिस्से ने इनफेंडिब्यूलम है इस्थमस है और एम्प्यूला एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन जड़ा उथे जाके जानवर का जो हमल है शुरू के फर्स्ट 9 डेज उथे जड़ा वो ठहरदा इम्पलांट जाके यूट्रस की दीवार के नाल इम्पलांट होंगे ये सारा मैं चेक कर लिया ये जड़ी है जी ओवरी है वो उत्ते सिस्ट बनया ये वास्ते ऐसा जानवर एक तुम दसाया कि काफ़ी को 8-10 बार जी इन फिर खादा तो बजाय ऐसे कि असं दोबारा फिर ट्राई लीए जिन्हें असं सीमन रख देना टीका रख देना लेकिन ये बेवकूफी है ये अंदर असं यदि सफाई करा अंदर ये एक तो एंटीबायोटिक वह कम्बीनेशन दवाई अंदर रखा नंबर 2 जरा GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन असं वो ला सकते हैं या डल मैरालीन जो इंजैक्शन आता पाया हारमोन है वो लावे तो वह लाने के ना जी स्ट्रक्चर जी ओवरी है वह इंशाला उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो यह सारा एरिया जो हम असं साफ कर लावे ताकि साढ़ा राड़ जो है जिस टाइम असं पास करिए गोबर वह एक पार्टिकल भी जो एक कतरा भी गोबर का वो राड़ के नाल नहीं लगना चाहिए अगर राड़ के नाल लगेगा तो बजाय इसे कि फायदा दे यही जो अंदर जाके इनफेक्शन पायोमैटरा जोड़ा है मेट्राइटस पैरीमेट्राइटस इंडोमेट्राइटस ये सारे जीडिया ने जरासूम क्योंकि गोबर के बड़े से जरासूम होंगे तो सारा एरिया जो प्रीमियम एरिया इन असं चंकी तरह धो लाँगे साफ कर लाँगे फिर असं अपना दवाई कड़ी रखनी है फाइनल रहा जी इंशाला तो सारा दसने है।